सीएम के जीरो टॉलरेंस नीति को सरकारी अस्पताल लगा रहे पलीता, सरकारी अस्पतालों में चल रहा घूसखोरी का बड़ा खेल। सीएससी लालगंज में मरीजों से रुपए लेकर किए जाते हैं एक्सरे। लालगंज रायबरेली सरकार जीरो टॉलरेंस की बात अवश्य कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल सीएम के जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में घूसखोरी का बड़ा खेल चल रहा है, जहां पर अगर आपको एक्सरे व मलहम पट्टी कराना है तो सरकारी सुविधाओं के भरोसे मत आइए। बलिंक अगर आप पैसा देने में सक्षम हो तभी सीएससी में प्रवेश करिएगा। जी हां, मामला लालगंज सीएससी का है। यहां पर सरकारी सुविधा देने का ढोंग करने वाले डॉक्टर असल में एक्सरे व मलहम पट्टी के पैसे लेते हैं। एक ऐसा ही अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में मरीज का रुपये लेकर एक्सरे किया गया था, जिसकी भनक लगते ही अपनी ही सरकार में भाजपा नेता रमेश सिंह ने एक्सरे के लिए गए 500 रुपये की अवैध वसूली को लेकर सीएससी लालगंज में हंगामा काट दिया। सूचना मिलने पर जब भाजपा व किसान नेता रमेश सिंह वहां पहुंचे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मामला ये था कि कुम्हटोरा निवासी अभिषेक सिंह लालगंज सीएससी में इलाज कराने पहुंचे तो वहां एक दलाल के माध्यम से उनसे 500 रुपये एक्सरे के लिए लिए गए। रमेश सिंह ने वहां पहुंचकर डॉक्टरों की इस घिनौनी हरकत पर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल अभिषेक सिंह को बुलाकर आमना सामना कराया, जिसमें एक्सरे मैन ने अपनी चोरी न स्वीकारते हुए दूसरे के सर मर दिया, लेकिन सीएससी अधीक्षक की फटकार के बाद माफ़ी मांगते हुए उनसे ली गई धनराश वापस की। क्या कहते जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये थी रायबरेली से अविनीश पांडे की रिपोर्ट। आपका परिचय? रमेश सिंह नाम है हमारा, किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ, और लालगंज हमारा निवास है। कल की घटना, कल की घटना क्या हुई थी? कल की घटना ये हुई थी कि माननीय योगी जी को बदनाम करने के लिए अब यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो आम जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा। कल लालगंज चिकित्सालय में परसों एक लड़के को दिखाने के लिए लोग आए और उससे रात 7 बजे शाम को 200 रुपये एक्सरे वाले ने और 300 रुपये पट्टी वाले ने लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने जब मुझको ये जानकारी हुई तो मैंने इसकी शिकायत सीएमओ से की। सीएमओ ने तुरंत अधीक्षक से कहा, मैं वहाँ पर पहुँचा, उन लोगों को लेकर के पहुँचा और वहाँ जा कर के सामने बातचीत कराई और उन्होंने सामने पूरे पैसे वापस किए और इससे जनता को राहत मिलेगी अगर इस तरीके से प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा हमारे जनपद का। और अभी लालगंज सीएससी में एक मामला सामने आया जहां पर एक लैब टेक्नीशियन जो है एक्सरे वाला 500 रुपये ले रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, संज्ञान में आया है मामला, संज्ञान में आया है मामला, उसको अधीक्षक को कह दिया गया, उसको जाँच साक्षात में। इस तरह कई मामले आए हैं जिसमें अक्सर होता है कि फार्मेसिस्ट कभी पैसा लेता है और कभी ऐसा होता है कि एक्सरे बाबू जो एक्सरे कर रहा होता है वो गरीबों से पैसा लेता है। तो कितनी कंप्लेनें हुई अब तक, लिखित भी दी गई हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया? अभी तो वीडियो वायरल हमने देखा, इसको संज्ञान लिया हमने। इससे पहले भी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं इसके लिए कार्रवाई होती है, कार्रवाई जो भी संज्ञान में आता है कार्रवाई। जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? प्राइवेट प्रैक्टिस अगर सरकारी सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें भी जांच की जा रही है। अगर कोई कंप्लेंट अच्छी आती है, यदि कंप्लेंट अभी जिला अस्पताल के डॉक्टरों को लेके आई, उसमें अभी तक क्या किया आपने? नहीं, ऐसा कोई उसमें कंप्लेंट नहीं आई है, डॉक्टरों को लेके आई किसी ने दिया। सर खबरें चली हैं इसको लेकर, प्रतापपुरिया वाले एक डॉक्टर है उनके लेके चली है, कई डॉक्टर है इस तरह के, और कुछ अवैध नर्सिंग होम के डॉक्टर जो बाय प्रैक्टिस करते हैं उनको लेके क्या है?
अवैध नर्सिंग होम पर अलाउड है नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नर्सिंग होम नहीं कर सकता। डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, उनके पास डिग्री नहीं है, चले जाकर अपने रहे, उस पर किस तरह का एक्शन ले रहा था? उसके खिलाफ एक तो नोटिस दी जाती है, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं फिर भी करता रहता तो उसमें एफ आई आर की जाती है। कितने ऐसे ऐसे एफ आई आर हमारे हुए हैं अभी तक? कितने मामले सर के सामने आए, कितने के खिलाफ नोटिस दी आपने? दो तीन तो हमको पता है, अभी बाकी उसके पहले जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में। अभी जो भ्रष्टाचार के खेल है, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा खाता चल रहा है, लोग पैसे लेके यहाँ भी जिला अस्पताल में भी काम कर रहे हैं, और पहले अस्पताल में महिला जो विभाग अलग है उसमें भी बिना पैसे लिए ऑपरेशन नहीं होता है, सब चीज़ें हैं, तो कब लगाम लगेगी? कोई चीज़ आए तो संज्ञान में आए, कोई कंप्लेंट ले, कोई आगे आए, लगातार खबरें चल रही हैं उस पर तुरंत, लगातार खबरें चल रही हैं, पेपर में भी प्रकाशित हो रही हैं, चैनलों में खबर चल रही हैं, या तो जो देखा उस पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। लगाने वाले प्रकरण में